औरतों की बढ़ोतरी, ये एक ऐसा मर्द है, मर्दाना मर्द है कि आदमी परेशान हो जाता है, होता है, कम होता है, बच्चों को भी हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है, बूढ़ों को भी हो जाता है। फौते मोटे हो जाते हैं, लटक जाते हैं गुब्बारे की तरह। अल्लाह करीम हर किसी को शिफा दे, अपना दे। नुस्खा हाजिर है, और आप अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों का भी भला किया करें, अपने तक महदूद ना रखें ऐसे कीमती अच्छे नुस्खा जात। और फिर यह कि मेरे चैनल की कामयाबी आपकी इन काविशों से ही है, जो आपने सिर्फ उंगली लगानी है और सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, मैं भी खुश हो जाऊँगा अच्छे से अच्छे इंशाल्लाह। नुस्खा जब तक जिंदा हूँ अल्लाह करीम मुझे हिम्मत तौफीक दे रहा है, मैं बताता रहूँगा। तो नुस्खा कुछ इस तरह है, खरातीन बरगे संभालू 100 ग्राम लेने हैं, खरातीन भी आपने 100 ग्राम लेने हैं। इनको आपने एक कुजी आबे नार सीधा, ऐसी कुजी लें मट्टी की जिसमें पानी ना हो, यानी कि नई कुजी लेने, उसमें रखकर बाहर रख दें रात को ओपन एयर में। अगर मजबूरी है आपके पास आसमान नहीं है तो फिर वैसे कमरे में ही रख लें। सुबह को खरातीन इस कुजी में से निकाले, रोगने कुंजद तिलों का तेल और गुरे टेसू आपने ये 100-100 ग्राम लेने हैं। अब इन तमाम चीज़ों को आप पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे और ये दवाई आपके पास तैयार हो गई। अब जो अगला बरहला है ये बहुत मुश्किल है, आप नहीं बनाएंगे, हर कोई नहीं बना सकता सवाए हुक्मा साहबान के। बरहल मैं बता देता हूँ, आपने एक आतशी शीशी के ज़रिए इसका रोगन निकालना है, रोगन तैयार करना है, जो कि आप नहीं बना सकते। लेकिन उसका तरीका मैं ये बताता हूँ कि अलसी का तेल आपने 200 ग्राम लेना है। इन तमाम चीज़ों को उसमें फिर आग पर रखकर जला लें, कपड़े से पोंछ लें। ये आयल आपका बेहद कार आमद मुफीद है। आपके जो फोते मोटे हो गए हैं, बढ़ गए हैं, गुब्बारे की तरह हो गए, उन पर आपने अप्लाई करना है, सिर्फ लगाना है, सुबह शाम कर लें। चंद ही रोज़ में आपके फोते खुशिए नेचुरल हालत पर, कुदरती हालत पर आ जाएंगे। इस ड्यूरेशन में आपने आलू, चावल, गोभी, भिंडी, अरवी नहीं खाने, कब्ज नहीं होने देनी, भागना चलना नहीं है, वज़न नहीं उठाना, ये इसमें शरायत है, ये ज़रूरी चीज़ है। आराम करेगा मरीज, फिर आप ठीक होंगे। अस्सलामुअलैकुम।